क्रिश्चियन मिशनरी वालों को नहीं रास आया और पूज्य बापू जी को झूठे केस में फंसा दिया। मेरा नाम श्रीमती किरण शर्मा है, मैं नीमच जिले में पदस्थ हूँ। मैंने 94 में दीक्षा ली थी, हम दोनों पति पत्नी ने। मेरे पति भी CISF में थे और हम पूज्य बापू जी के साथ सिक्योरिटी सेवा भी कभी मौका मिलने पर करते थे। गुरुदेव की हम पर बहुत असीम कृपा है और अभी मेरा प्रमोशन भी हुआ है। और गुरुदेव के लिए बस एक ही विडम्बना है कि पूज्य बापू जी की इतनी ख्याति थी कि देश विदेश में सब जगह पूज्य बापू जी को सभी लोग मानते थे तथा गुरुदेव के लिए सबके हृदय में श्रद्धा भक्ति थी और उन गुरुदेव के द्वारा कई जीवों का कल्याण भी हो रहा था और कई प्रकार के प्रकल्प बापूजी ने चलाए हुए थे, जैसे वृद्धों के लिए, रोजी रोटी के लिए और अनाज वगैरह वितरण के लिए, मकान वितरण के लिए भंडारे किए गरीबों में, दीपावली पे भी भंडारे करते थे बापूजी। और यही सब क्रिश्चियन मिशनरी वालों को नहीं रास आया और पूज्य बापूजी को झूठे केस में फंसा दिया और आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। करीब 10 साल हो गए हैं, पूज्य बापूजी को कोई रियायत नहीं मिल रही है, यहाँ तक कि उनको अपना इलाज कराने के लिए भी छूट नहीं दी जा रही है। न पेरोल दिया जा रहा है, न कोई जमानत दी जा रही है और न उस केस में कोई प्रोग्रेस हो रही है। यथावती वो केस चल रहा है, बस दोनों प्रकरणों में दोनों ही न्यायालयों से आजीवन कारावास दे दिया गया है। न उसके पीछे कोई सबूत है, न किसी प्रकार का कोई ऐसा कांड हुआ है, लेकिन झूठी रचना रच के, झूठी कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां बना करके और पूज्य बापूजी को फंसा रखा है। और हमारी शासन से, प्रशासन से सबसे यही विनती है कि पूज्य बापूजी को निर्दोष रिहा किया जाए, क्योंकि पूज्य बापूजी निर्दोष ही है, निर्दोष ही थे और निर्दोष ही रहेंगे। और आज नहीं कल अगर सच्चाई से अगर न्यायपालिका न्याय करे तो पूज्य बापूजी निर्दोष ही साबित होंगे। हरिओम।